नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। बुधवार को गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद और भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता अनिल बलूनी रामनगर पहुंचे, जहां रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट और नगर अध्यक्ष मदन जोशी के साथ ही कई कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं बलूनी के साथ पूर्व सांसद बलराज पासी, जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद अनिल बलूनी ने लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी की सदस्यता अभियान के तहत आज कई लोगों द्वारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण भी की गई है। इससे पूर्व सांसद अनिल बलूनी ने कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले धनगढ़ी और पनौद नाले पर चल रहे पुल निर्माण के कार्य का निरीक्षण करते हुए कहा कि अगले साल बरसात से पहले इन दोनों पुलों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और इस पुल से बरसात के दौरान होने वाली परेशानियों से भी निजात मिलेगी। इसके बाद उन्होंने रामनगर में निर्माण आयाम रोडवेज बस स्टेशन का निरीक्षण करते हुए संबंधित लोगों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई समझौता न करने की हिदायत दी। सांसद बलूनी ने कहा कि रामनगर से बंद पड़ी सभी ट्रेनों को विधायक दीवान सिंह बिष्ट के साथ समीक्षा कर इन्हें शुरू कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामनगर से हरिद्वार तक के लिए भी वंदे भारत ट्रेन का शुरू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामनगर के सरकारी अस्पताल, जो कि वर्तमान में PPP मोड पर चल रहा है, इसका कार्यकाल बढ़ाए जाने पर उन्होंने कहा कि इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता कर इसका भी समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ महीने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सितंबर महीने के अंत तक इस अस्पताल को PPP मोड से हटकर अक्टूबर माह से सरकारी तंत्र में चलने की बात कही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि PPP मोड का कार्यकाल बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज हमने जो धनगढ़ी पुल है और जो पनौद है जहाँ निर्माण कार्य जारी है, उसके वहाँ पूरा निरीक्षण किया है और वहाँ जो हमारे नेशनल हाईवे के अधिकारी थे उनसे भी बात की है और उनके द्वारा जो वहाँ कुछ समस्याएं आ रही थी उस पर भी बातचीत हुई है। ये NH के लोगों के द्वारा कहा गया कि 5 बजे के बाद उनको वहाँ काम करने की परमिशन नहीं है, तो तुरंत जो हमारे कॉर्बेट प्रशासन है और फॉरेस्ट के तमाम अधिकारियों से बात करके वहाँ पर ये तय कराया है कि जब तक सूर्यास्त हो तब तक इनको काम करने की परमिशन भी मिले। साथ ही यह भी तय करवाया कि जब कभी कोई कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लंबा काम चलना हो तो तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था भी करे। और हमें पूरा विश्वास है कि अगला जो बरसात आएगी उससे पहले दोनों पुल चालू हो जाएंगे। पहाड़ जाने वाले लोगों के लिए ऐसा होगा कि अगली बार से उनको नाले के रास्ते न जाके पुल के रास्ते जाएंगे और जो जन जानमाल की हानि हो रही थी उसका भी हम नुकसान नहीं होगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास है। तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारे पहाड़ के लोगों के लिए और आसपास के लोगों के लिए। स्वच्छता अभियान हमारे यहाँ आज हमारे पार्टी के जो प्रनेता हैं और पार्टी के जो हमारे चिंतक थे, एकात्म मानववाद के चिंतक रहे, ऐसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का आज जन्म जयंती भी है। और आज हम लोगों ने तय किया है कि पूरे देश भर में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वह सभी एक अच्छी संख्या में सदस्यता करवाएंगे। तो आज यहाँ पर इस बूथ पर हम लोगों के द्वारा सदस्यता का आयोजन भी किया गया, बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। उसको मैं एक बार जो स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करके उसके बारे में जानकारी ले लूँ, नहीं तो वो उनसे बात करनी पड़ेगी। विधायक जी से बात हुई है, विधायक जी ने मुझे 2-3 ट्रेनों के बारे में कहा है और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सब लोगों को, जो जो ट्रेन विधायक जी कहेंगे उसकी समीक्षा करके और निश्चित तौर पर वो ट्रेनें चलेंगी, जल्दी उन ट्रेनों की घोषणा भी हो जाएगी। अभी विधायक जी ने हमारे खारी का जो हमारा इंटर कॉलेज है उसको बोला था कि इसको इसमें और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, वो कॉलेज अडॉप्ट किया गया है और आने वाले कुछ दिनों में आप देखिएगा कि वो देश में सबसे अच्छे इंटर कॉलेजेस में होगा। देखिए, जहाँ जहाँ पर विस्थापन की जरूरत है वहाँ विस्थापन हो और जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर उन लोगों को जो मूलभूत सुविधाएँ वो अवश्य मिले, जो न्यूनतम सुविधाएं हैं उनको मिलना भी आवश्यक है। इसके लिए इसमें एक बैलेंस बनाते जहाँ जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर हम लोग तमाम सुविधाएं देने के लिए बात करेंगे और आप मान के चलिए जहाँ पर लोग रहते हैं उनको जो सुविधाएं हैं वो जरूर मिलनी चाहिए और उसको इंश्योर भी करेंगे। तो इसको मैंने आपको चुनाव के दौरान भी कहा था, जहाँ जहाँ पर हमारे वन ग्राम है और जहाँ पर इस तरह की बात हो रही है
हम लोग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके और प्रशासन से बात करके वहाँ पर उनको तमाम सुविधाएं मिले, ये हम लोग निश्चित करें। ये खबर तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN News। धन्यवाद।